DFM 98.2 आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2 ZU 98.2 पयामे जस्तुजू आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2 सुबह की ताजा खबर औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू लाहौर वालों मुल्तान वालों फैसलाबाद वालों इस्लामाबाद वालों क्या हाल चाल है ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है चाहे आप स्कूल जाएं कॉलेज जाएं यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है पहली बार सुन रहे हैं हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर सुनो बहुत हुआ घुन्नापन बता दीजिए सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सच्ची में So, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सा तरीकाकार है आपने क्या करना है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में आपने अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद आप लोग जाकर सर्च करेंगे ZUFM 98.2 साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली सो दो पेजेस आपको नजर आएंगे उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा लाइक कर लीजिएगा मजीद आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJFarhanaOfficial सो वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा उस अकाउंट को जाकर भी जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए मजीद आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा ट्विटर ट्विटर पर जाकर आप सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli YouTube पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली सो YouTube पर चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कोई शो मिस हो गया है जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ऑन Facebook तो आप लोग बहुत ही इजीली सुन सकते हैं ऑन YouTube राइट सो आजकल जरा मैं लेजी हो गई हूँ तो मैं जो है वो बड़ा देर कर देती हूँ वो क्या कहते हैं अपलोडिंग में शोज जो है वो मैं जरा देर से अपलोड करती हूँ आजकल बट आपको मिल जाएंगे शोज ठीक है ना सो बातें आज भी बहुत सारी हैं हमेशा की तरह
लेकिन उससे पहले आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे। आज के दो टॉपिक्स क्या हैं, दो टॉपिक्स बताएंगे और साथ साथ खबरें शबरें बता देंगे क्या चल रहा है दुनिया में। लोगों के दिमागों में कुछ भी चलता रहे, दुनिया में क्या चल रहा है वो देखते हैं। सो चलें जी, हम आपको सुनवाते हैं ये वाला ट्रैक। ओके, सो हियर वी गो। सो वापस आएंगे इसके बाद, ठीक है ना? आपने कहीं नहीं जाना, कहीं भी चले जाएंगे ना, रोएंगे पछताएंगे, क्या फायदा? हम नहीं चाहते ना कि आप पछताएं, आप रोएं, ठीक है ना? So keep rolling your comments on Facebook. Stay tuned. There's something about you, girl. My heart starts pumping. Whenever you're around, my world goes upside down. Ten.
राइट, वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 30 मिनट्स पास्ट 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चलें जी, आज के दो टॉपिक्स आपको बता देते हैं। दो टॉपिक्स हैं क्या बेसिकली। सो जो पहला टॉपिक है वो है कि आपको एक लाइन कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। सो आपने बताना है लाइन को कंप्लीट करना मींस कुछ चीजें उस वक्त ही अच्छी लगती हैं कि जब व्हाट कुछ चीजें उस वक्त ही अच्छी लगती हैं कि जब कब अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें, ये आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। फनी आंसर्स होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी बात भी कर सकते हैं। बोंगियां मत मारिएगा बस, क्योंकि बोंगियां मारने का तो बहुत ही शौक है आप लोगों को। सो साथ साथ आपने बताना है कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है, ये आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम आपकी नजर में क्या है। सो खबरें शबरें बता देते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। और भाई देखें, पंजाब में जो है ना वो डेंगी फिर दोबारा से जो है अपना सर उठाने लगे, यानी कि डेंगी का अमराज क्या होता है, मर्ज होता है, डेंगी का मर्ज जो है वो दोबारा से फैलना शुरू हो गया है। और कोरोना केसेस की शरह में मजीद जो है वो इजाफा हो रहा है। सो ये जो वबा होती है ना, ये तो फिर आपको बचा लेती है। तो आप जो है ना कोई मेडिसिन लेकर आप बच ही जाते हैं उससे, है ना। सो लेकिन फिर भी ख्याल कीजिए भाई, वैक्सीनेशन अगर नहीं करवाई है तो वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ठीक है ना। अपना नहीं तो दूसरों का ख्याल कीजिए। वैसे आजकल कोई दूसरों का ख्याल करता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो इंसानियत का सबूत देते हुए आप जो है ना वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ठीक है। और भाई गवर्नमेंट ने जो है वो 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने का जो है वो फैसला किया है। और साथ साथ जिन लोगों के मींस जो पेपर दे रहे हैं, बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, उनकी बात ही हो रही, जाहिर है जो पेपर नहीं देगा उनकी कहाँ से बात करेंगे, ठीक है ना। सो जो लोग जो बच्चे अगर 33 मार्क्स उनके नहीं भी आए हैं तब भी उनको पासिंग मार्क्स देकर उनको पास कर दिया जाएगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो वैसे ही पास हो जाते हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। सो ओके, साथ ही साथ पाकिस्तान खजूर की पैदावार का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है, क्या बात है। देखिए काम की खबरें हैं ना। और साथ ही साथ भाई सुई सदरन गैस कंपनी ने जो है वो कल अंदिया दिया था कि भाई 3 से 4 दिन के लिए गैस की किल्लत हो सकती है। हो सकता है कि लोड शेडिंग हो या फिर प्रेशर कम हो गैस का, सो आपके घरों में हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। साथ साथ सनतों के लिए भी जो है वो कहा जा रहा है कि गैस की फरहमी बंद होने का इम्कान है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। सो ओके, और साथ साथ बारिशों की वजह से, ये बारिशें जो हो रही हैं उसकी वजह से काफ़ी जो है वो पानी का स्टॉक हो गया है, जो डैम्स हैं वो भर गए हैं पानी से ऑफकोर्स। और साथ साथ और सस्तीपन बिजली की पैदावार जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुश आयन खबर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों के अगर बिजली की कैपेसिटी इतनी है कि सबको फराहम की जा सके बहुत ही इजीली, और उसके बावजूद अगर लोड शेडिंग भी हो रही है, अभी ये लंबे लंबे बिल आ रहे लोगों के, तो फिर मेरे ख्याल से ये तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, थोड़ी सी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। जो अक्सर अभी मैं कल भी खबर पढ़ी थी कि बहुत सारे लोग जो है वो परेशान है कि जो लोग पेंशन पर, जिन लोगों की जो है वो जिंदगी का गुजर बसर होता है, वो लोग 15-15, 20-20 हज़ार की बिल्स वो कैसे भरेंगे कि जहां सारा दिन कोई 3 से 4 वक्त में जो है वो लोड शेडिंग होती है, और लोड शेडिंग के बावजूद इतने ज़्यादा बिल जब वो सिर्फ एक पंखा चलाते हैं, सिर्फ एक टीवी चलाते हैं, तो ये जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों के लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि इतने जो है वो हद से ज़्यादा बिल्स जो है वो बनाकर भेजे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। सो
इसके हवाले से जरूर नजरसानी करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए जो इदारे हैं उनको। और मॉनसून का जो सीजन है भाई, अब देखें कहते हैं वो तवील हो गया, और अभी 16 तारीख के बाद तकरीबन कोई थर्सडे के बाद जो है वो कराची में फिर दोबारा से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मौसम अच्छा हो जाएगा। 3 दिन तक तो ऑफकोर्स गर्मी रहेगी, आज और कल भी गर्मी रहेगी, उसके बाद में भी फ्राइडे से जो है वो बारिशें स्टार्ट हो जाए, सो मौसम अच्छा हो जाएगा। काश ये बारिशों के साथ ना ये वबाएं भी चली जाएं। तो चलें जी, बात करते हैं आपके स्टार्स की, बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज दूसरों को अपनी गुफ्तगू के जरिए कायल करके अपने मफादात को हासिल करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी अपनी कामयाबियों में आप शरीक कर सकेंगे। दूसरों को काम की बातें बताते वक्त एक हद से आगे ना बढ़ा करें और ना ही मुबालगा आराई से काम लेने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी तजाद बयाने की वजह से आपका मजाक उड़ाया जा सकता है। आज आपको अपनी माली हालत बेहतर बनाने के मौके में सरा सकेंगे। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अपने आप को आसानी ढालना भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। आपको अपने घरेलू मामलों को हल करने के मौके में असर आ सकेंगे। इसके अलावा दूसरों की मुश्किलात को हल करने के लिए उनकी अमली मदद करना भी मुमकिन हो सकेगा। साथ साथ बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपनी फनकाराना सलाहियतें और कुदरती खूबियों का इजहार बहुत बेहतर तरीके से करने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ बेहतरीन ताल्लुकात भी कायम कर सकेंगे। आप दोस्तों के या दूसरों के किसी के भी दुख दर्द सुनने के लिए ना सिर्फ तैयार होंगे बल्कि उनकी अमली मदद करने की ख्वाहिश भी रखते होंगे। दूसरों से ऐसे वादे ना करें कि जिन्हें पूरा करना मुमकिन ना हो सके। किसी दोस्त की जानिब से आज किसी पार्टी में आपको मदऊ किया जा सकता है, जबकि आप मिलने वाले मौके से फायदा उठाकर लुत्फंदोज भी होंगे और दूसरों के साथ अपने मोहब्बत भरे ताल्लुकात को मजीद मजबूत भी बना सकेंगे। लेकिन खुद को ख्वाबों में उलझाने के बजाय हर हाल में हकीकत पसंदी का सबूत दें। ठीक हो गया, बात करते हैं अब हम एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज किसी तरह के शकों को शोबात खदशात या तवाहुमात पैदा ना होने दें, क्योंकि अगर आपका एतमाद ही कायम ना रहा तो आपके लिए अमली कामयाबियां हासिल करना भी मुमकिन ना रहेगा। आप अपनी मजबूत शख्सियत से बहुत कुछ अंजाम देने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन खुद को दूसरों के मामलों में मुलविस ना होने दें, वरना दूसरे लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आप किसी नए कारोबार का आगाज करने में यकीनी तौर पर कामयाब रहेंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए तवील उलमुद्दती सरमायाकारी करने के मनसूबे शुरू करने की तैयारी मुकम्मल कर सकेंगे। सारे काम में आपको अपने लाइफ पार्टनर का तावुन भी लाजमी तौर पर हासिल हो जाएगा। बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपका वजदान और अमली सोच यकजा होकर अहम कारोबारी फैसले करने में मददगार साबित हो सकेंगे। अगर आपको किसी नई पार्टनरशिप के लिए पेशकश की जाए तो इनकार करने में जल्दी मत करें, क्योंकि इस काम में बहुत से फवायद हासिल होने की तवक्को है। आपके लिए बेहतर यही है कि अपने आप को गर्म मिजाजी और किसी किस्म की बाहमी तकरार से दूर रखें ताकि बात ज्यादा ना बढ़ने पाए। काम की ज्यादती की वजह से आपका थकावट का एहसास बढ़ सकता है, इसलिए अपने आप को जो है वो थोड़ा सा वक्त दें कि आप आराम कर सकें। अपनी तवानाई को आने वाले दिनों के अमली इकदामात के लिए महफूज रखने की कोशिश करें ताकि अपने आप को भरपूर अंदाज में मुतहरिक बनाकर कामयाबी हासिल कर सकें। बात करेंगे हम जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? और आज मुमकिन माली परेशानी की वजह से आप किसी कारोबारी सफर को मुलतवी कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद आज आपको बहुत से अहम और दिलेराना फैसले करने का मौका मिल सकेगा कि जिसकी वजह से आप अपने मुस्तकबिल के लिए तवील उलमुद्दत मनसूबे बना सकते हैं और कोशिशों में कामयाब भी हो जाएंगे अगर कोशिश करेंगे। सो आपके लिए बेहतर होगा कि आज की शाम अपने घर में अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजारने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने प्यारों के साथ अपने प्यार भरे ताल्लुकात को आप मजीद बेहतर बना सकेंगे। आज दूसरे अफराद की नजर में आप बहुत ही बाएतमाद और खुशकिस्मत फर्द होंगे। सभी को यही लगता है कि आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आसानी हासिल कर लेते हैं। बात करते हैं हम कैंसेडियंस की। कैंसेडियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन कारोबारी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने और उनमें तरक्की लाने के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकेगा। आज अपनी कारोबारी तरक्की के नताइज हासिल करने की मनसूबाबंदी करने में भी आसानी कामयाब हो सकेंगे और तवील उलमुद्दती सरमायाकारी के लिए मुश्तरक कोशिशें ही फायदेमंद साबित होंगी। अपनी मौआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए कई एक रुकावटों को खत्म कर सकेंगे। शाम में दोस्तों के साथ मेल मुलाकात के लिए किसी तकरीब में शमूलियत भी अख्तियार करना होगी, लेकिन दिन भर की समाजी मसरूफियात की वजह से शाम तक बहुत ही ज्यादा थकावट भी हो सकती है, इसलिए अपने आप को भागम दौड़ जो है वो कम रखनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम कभी भी फायदा नहीं पहुंचाते हैं। चलें जी, बहुत सारे स्टार्स की बात करिए, आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहां कहां से मौजूद है हमारे साथ और किस किस ने अपने अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है। कौन है जो ढीट है कि जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है? सो चैलेंज जी, लेट्स सी। और ओके चैलेंज जी, अगर मुझे दिख जाए। हाँ जी चैलेंज जी, देखते हैं
ओके आमिर पंजाबी कहते हैं कि कैसी हो फरहाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। नथी राम सौदा बहुत शुक्रिया। शौकत अली कहते हैं कि हाय गुड मॉर्निंग सिस्टर, हाउ आर यू, खुदा आपको आबाद रखे। वालेकुम अस्सलाम, इन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुल अख्तर बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खुश रहो, आबाद रहो, आपकी आवाज़ को नजर बद से अल्लाह पाक बचाए। और एजाज जलबानी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप तमाम भाइयों का जो सब मिलकर एक साथ सुनते हैं शो। चांडियो गुल हसन बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आरजी मोहम्मद खान कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी से जुदा होना है, चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। राजा फैसल कयानी बहुत शुक्रिया, कहते हैं हाय आप ही मोहसिन लियाकत, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी तमाम नेक हाजात को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। जाहिद आकाश कहते हैं कि अभी मैं आपके सॉन्ग पर डांस कर रहा था, अम्मी ने देखकर कहा कि हद हो गई, मतलब ऐसी बातें आपकी अम्मी कह देती हैं, बड़ी अजीब बात नहीं कही आपने। जाहिर आकाश कहते हैं कि अभी मुश्किल तरीन काम है बीवी के साथ रहना, तो तुम कुंवारे ही रहना बस, फिर शादी मत करना। साथ साथ काशिफ अली मालिक कहते हैं कि टॉपिक पर जवाब है, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हर पर आजकल के हालात ऐसे हैं कि कोई भी काम आसानी से नहीं होता, ट्रैफिक जाम हो जाए तो जल्दी से नहीं खुलता। हाँ बिल्कुल जी, ट्रैफिक आजकल पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा, और बारिशों की वजह से जो सड़कों की हालत हो गई है ना अक्सर जगहों पर यू नो सो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होने लगा है। काशिफ अली मलिक वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है और आपकी दुआओं के लिए भी शुक्रिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर, दुनिया का सबसे मुश्किल काम जब आप डॉक्टर पे गए हों, डॉक्टर पे गए हों कहते हैं, और आपको अच्छे डॉक्टर के पास गए हो और आपको इंजेक्शन लगाना हो, मरीज भी काफ़ी बैठे हों, डॉक्टर कहे कि ये अच्छा जी मोहम्मद फराज कहते हैं दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आई थिंक मुश्किल है ना, क्यों नहीं है मुश्किल काम, किसी का भरोसा तोड़कर उसको वापस हासिल करना मुश्किल काम है, राइट, और किसी पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारे काम है मुश्किल। मसूद अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आरजे सईदा फरहाना अली वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं मैम आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कहते हैं कि लाफ्टर क्वीन कहते हैं हम ना रोएंगे ना पछताएंगे, आपके शो को सुनते जाएंगे और साथ में ये भी गुनगुनाएंगे कि जग घूमे अधारे जैसा ना कोई चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरहाना, आप शो सुपर डुपर, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ओके साथ साथ काशिफ अली मालिक कहते हैं कल ये क्या पर बारिश का मौसम तो हो गया था, शाम में 5 बजे काली घटा थी, हाँ बिल्कुल, कहते हैं ठंडी हवा, इतना मजा आ रहा था कि बस, हाँ अचानक से घटा तो छा गए थे लेकिन बारिश नहीं हुई है। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कोई न्यू ट्रैक प्ले करो, कितनी बार सुनाओगी ये, नहीं तुम बता दो कोई नया ट्रैक बता दो। नथी राम सौदा कहते हैं मोहतरमा ये जो आप स्टार्स बताती हो क्या ये सच्चाई है, आई जस्ट डोंट नो अबाउट इट, सच्चाई तो कुछ भी नहीं होती आजकल, सब कुछ झूठ होता है, व्हाट आई फील। मोहम्मद फराज कहते हैं नाश्ता किया आपने, बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है। हिरा खान कहती हैं कि मैं आपकी साइलेंट लिसनर हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, वेलकम तो करें आप ही चलें, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच हिरा। मोहम्मद इंसाफ कहते हैं सलाम अर्ज है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सलाम, अच्छा जी जुबैर लाडला वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इंसाफ कहते हैं के चलें बहुत शुक्रिया, और कहता हूँ उम्मीद ना करें दुनिया में किसी से, हम दर्दी की बड़े प्यार से जख्म देते हैं शिद्दत से चाहने वाले, अच्छा ठीक है। साथ साथ काशिफ अली मालिक कहते हैं सच्चे और दिल के रिश्ते दरख्तों की तरह होते हैं जो अपनी नशोनुमा फ़कत तवज्जो और देखभाल के अलावा किसी चीज़ की तलबगार नहीं होते, सही बात है। साथ साथ जुबैर लाडला कहते हैं सच में जुम्मे से बारिश होगी, हाँ जी इंशाल्लाह, और काशिफ मंजूर बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मोहम्मद राशिद मुख्तार कहते हैं कि वक्त पे शादी हो जानी चाहिए, अच्छा तो कर लो जाके शादी, किसी ने मना किया है, किसी ने कहा है कि तुम्हें शादी नहीं करो, हमें आगे क्यों लेक्चर दे रहे हो। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों को पैसे उधार देकर वापस लेना अच्छा जी लाल खान कहते हैं कि डेरा बुकटी बलोचिस्तान से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, डेरा बुकटी से तो क्या कुछ याद आ गया, खैर जी चलें सियासी बातें तो करते नहीं हम। मोहम्मद इंसाफ कहते हैं कि प्लीज़ सॉन्ग आतिफ असलम का प्ले कर दें, अरे आतिफ असलम का प्ले किया था ना लास्ट वीक हमने,
चलें प्ले कर देंगे, खैर कोई नहीं है। और साथ साथ एम तैयब ताहिर वेरी नाइस कहते हैं, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं, भरोसा तोड़ने वाली हरकतें मत करो, सिंपल, मैंने नहीं तोड़ा किसी का भरोसा। अच्छा अच्छा, बातें नहीं करो या हरकतें नहीं करो, हैं, मैं तुम्हें थोड़ी ना कह रही हूँ कि तुम भरोसा तोड़ने वाली बात, मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ कि भाई कि भाई मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ कि भरोसा तो कोई भी तोड़ सकता है ना, किसी का भी। तुम्हें थोड़ी ना कह रही, तुम्हारे तो ब्रेकअप हुए, तुम्हारा भरोसा थोड़ी ना हुआ है। अच्छा जी, काशी बोली वाली कहते हैं, अब वैसे सही बोल रही हैं आप, बड़ा मुश्किल काम है आबिद भाई से बिरयानी खाना, ठीक हो गया। प्रिंस सलमान वीर कहते हैं कि नाइस, बहुत शुक्रिया। दिलों का राजकुमार कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच। और साथ साथ इमाम बख्श कहते हैं कि बाजी शो वेरी वेरी नाइस है, हमें बहुत पसंद है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रिंस सलमान वीर कहते हैं कि नाइस शो एंड गुड थिंकिंग, थैंक यू सो मच, आपने तो मोहर लगा दी हमारी थिंकिंग पे। प्रिंस प्रेम सागर कहते हैं वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। काशिफ मंजूर कहते हैं फरहाना आप ऐसा क्या खाती हो जितना ज़्यादा बोल लेती हो। मैं ना लोगों का दिमाग खाती हूँ, खून पीती हूँ मैं लोगों का। और बट कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप ही हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच। हिरा खान कहती हैं आप ये अकबर खान, अली रजा और मसूद अहमद साहब सबको सलाम मेरी तरफ से, चलें जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं अरे आजकल हर कोई ना पैसे उधार मांग रहा है फरहाना, मना करते हुए अच्छा भी नहीं लगता। सही बात है। और साथ साथ अच्छा जी, प्रिंस सलमान भी कहते हैं हजारों दुआओं, मोहब्बत और चाहत और खुशियों के लाजवाल खजानों के साथ आप काज की रोशन सुबह मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिलों के राजकुमार कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी गलती तस्लीम करना है। जो बात है, लोग अपनी गलती तस्लीम कब करते हैं, उनको तो लगता ही नहीं कि उन्होंने कोई गलती की है। एम तैयब ताहिर कहते हैं वो तो समझते हैं कि उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। साथ साथ एम तैयब ताहिर कहते हैं कि ना जाने खूबसूरत जिंदगी को किसकी नजर लग गई, जो लोग रोज बात करते थे वो आज याद भी नहीं करते। जो लोग ऐसा करें ना उनको तो कटा दो, मैं सही बता रही हूँ। जिन लोगों को आप ज्यादा बहुत सर पे चढ़ा लेते ना, वो तो आपको समझते हैं भाई ये तो है ही नहीं कुछ, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। मोहम्मद राशिद मुख्तार कहते हैं कि मुश्किल काम है किसी का इंतजार करना। ओके, तो किसी ने कहा है आज किसी का इंतजार करें। मोहम्मद फराज कहते हैं ना आपको ना एवेंजर्स में होना चाहिए था। पहले बता देना ही मुझे, हम चले जाते एवेंजर्स में, पहले क्यों नहीं बताया। अरे यार, मोहम्मद राशिद मुख्तार कहते हैं कि खून मीठा हो या कड़वा। हाँ, तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है, खून मीठा हो या कड़वा हो, इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मच्छरों को पड़ता होगा, मच्छर बता सकते हैं आपका खून टेस्ट करके कि कड़वा है कि मीठा है। चलें जी, एक ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक के बाद वापस आएंगे और फिर आपसे बातें करते हैं ना, ठीक है ना? और कौन सा गाना सुनवाएं? अच्छा जी, चले हमने स्ट्रिंग्स का आज, पता नहीं कि मैं स्ट्रिंग्स का, कल भी मैं स्ट्रिंग का चला था, चले आज भी चला देते हैं। और मैं बोर हो गई हूँ गाने प्ले कर करके ना, बस ये मसला है मेरा, और कोई मसला नहीं है। हाँ, सेम गाने प्ले कर करके ना मैं बोर हो जाती हूँ। बट वो क्या कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड है ना, सो अरे वो एक मैंने गाना देखा था, वो कौन सा गाना था, देखें मैं भूल गई, कल मैंने सोचा था मैं ना प्ले करूँगी, मैंने कहीं गाना सुना था फेसबुक पर आई गेस, मैंने सोचा कि चलें इसको प्ले करेंगे, बट भूल गई मैं, क्या करें। अच्छा जी, सो हम चलें ये सुनते हैं आज, सजनी सुन लेते हैं स्ट्रिंग्स की आवाज़ में। सो वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने जब तक कहीं नहीं जाना, 10 बज जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे और नहीं तो क्या। और ओके, चलें जी। अरे ये भी अब इतना टाइम लेगा क्या? चलें, हर किसी को जो है ना वो गानों को भी टाइम चाहिए। चलें जी, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं मतलब कहीं भी नहीं। सो हमने आपसे पूछा भी दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है, साथ साथ आप बताएंगे हमें कि कुछ चीज़ें उस वक्त ही अच्छी लगती हैं जब, वॉट, इस लाइन को कम्प्लीट करेंगे, ठीक है ना? कुछ चीज़ें उस वक्त ही अच्छी लगती हैं। सो हम आपको सुनवाते हैं ये वाला गाना, वापस आएंगे इसके बाद।
वापस आ चुके हैं एंड इट्स 54 मिनट्स पास्ट 9 ऑन द डायल राइट नाउ. ओके मोहसिन लियाकत कहते हैं हम ना जहनी आदी हो चुके हैं आपके जनाब, बात सिर्फ ना आप सुनने की नहीं रही है. सच में? अच्छा, अरे वाह क्या बात है मोहसिन. मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम शहजादे, क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत से हैं? आज तुमने पूरा जुमला नहीं लिखा. मोहम्मद फराज कहते हैं मेरी ना बचपन से ख्वाहिश थी ना सुपरमैन बनने की, लेकिन अब बस तुम अभी भी सुपरमैन बन सकते हो भाई, कॉस्ट्यूम मिल जाते हैं सुपरमैन बनने की. सुपरमैन की जो कॉस्ट्यूम है ना पहन के घुमा करो, शाम में जो है ना तुम पहन के पार्क चलो चेक करो. जब तुम्हें फ्री टाइम मिले, जब तुम्हारा दिल चाहे सुपरमैन बनने का, तो बन जाना सुपरमैन. सही है ना? सैरिश बट कहती आप ही क्या हो गया, आगे तो बोल लो. जाहिद आकाश कहते हैं अभी मैं कल से जो है ना बड़ा परेशान हूँ, कल मेरी मंगेतर ने कहा है कि मैं तुमसे शादी के बाद घर का काम करवाऊंगी. तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात, तुम कह दो कि मैं कर लूंगा. देखो फिर, देखो मैं सही मशवरे दे रही हूँ तुम्हें, तुम कह रहा कि मैं कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है. तुम्हारा टेस्ट हो रहा है बेटा, अक्सर तुम लोगों की आजमाइशें होती है, तुम लोग फेल हो जाते हो, पता नहीं चलता तुम लोगों को, बाद में फिर तुम लोग हाथ मलते रह जाते हो. मसला सारा ये सुबह बात करते हैं. मैंने बहुत ही काम की बात बताई, आप लोगों की आजमाइशें जब हो रही होती है ना, आप लोगों को आजमाया जा रहा होता ना, आप लोगों को पता नहीं चलता उस टाइम पे. बात करते हैं लियो की, लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. आज अपने मुस्तकबिल के मंसूबों को अमली शक्ल देने के लिए बेहतरीन वक्त है, लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने प्यारों के मशवरे को लाजमी मद्देनजर रखने की कोशिश करें. बहुत से अमली मंसूबों के बारे में वक्त निकालें, उसके अलावा अपने क़ुर्ब व जवार पर नजर रखें ताकि कोई फर्द आपको नुकसान ना पहुंचा सके. आपको अपने तमाम घरेलू मामला सुलझाने और अपने कारोबारी अमूर को हल करने में भी कामयाबी आपको मिल सकेगी. आपकी कारोबारी शराकत दार आपकी कामयाबी और बेहतर कारोबारी मनसूबाबंदी के लिए आपकी कोशिशों को सराहेंगे, मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि अपने आप को घरेलू सरगर्मियों में ही मसरूफ कर लें, क्योंकि इससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं होगा. ठीक हो गया? अब बात करेंगे हम वर्गों की, वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. राइट, और अच्छा जी, आज जज्बाती मामलात में अहम फैसले करने के लिए बेहतरीन और मुआवन दिन है. ये जरूर है कि आपकी माली हालत बेहतर नहीं होगी, लेकिन इस बात को बहाना बनाकर अपने असल मामलात को किसी तौर नजरअंदाज ना करें. आपको रकम के हुसूल में मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब भी आपको उसकी जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं उसका इंतजाम हो ही जाता है, और कुछ ऐसा ही आज भी हो सकता है. आज अपने वजदान पर भरोसा करके अपने ख्वाबों को अमली शक्ल आप दे सकते हैं, और मुमकिन है कि आपका कोई दोस्त आपसे खुलूस का इजहार करने वाला हो, और यकीनी तौर पर यह फर्द दिलो जान से आप पर निसार भी होगा. और आज अपने आप को हकीकत पसंदी पर मबनी मामला तक ही आप महदूद रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है ना? सो चलें जी, कॉल्स को हम शामिल करेंगे, जब तक मैं कुछ कमेंट्स को शामिल करती हूँ. हिरा खान कहती है अभी आजकल ना अली रजा भी शो पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहे हैं, जरा मालूम तो करें. आई गेस टाइम का कुछ इशू है, उन्होंने कहा भी था कुछ प्रॉब्लम्स थी. आई जस्ट डोंट नो, अब आप लोग ही एक दूसरे से कांटेक्ट में होते तो आप लोग बता सकते हैं. सैरिश बट कहती हैं कि व्हाट शुड वन डू इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड एंड विलिंग. डिपेंड करता है ना आगे कौन है कि क्या है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, ये भी तो डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि वो बंदा ऐसा है कि नहीं है कि आप जो है वो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकें. ट्रस्ट के काबिल है या नहीं है, राइट? ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं ना आंखें बंद करके, सो फिर वैसे आंखें बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो बात है. काशिफ वाली मालिक कहते हैं दोस्ती सुना दो मेरे प्यारे दोस्तों के नाम, कितनी बार सुनोगे दोस्ती. चलें देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. 10:00 वैसे चलें, खैर क्या हुआ. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, आवाज आई मुझे, क्या हुआ? और लेकिन आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड. चलें खैर, मोहम्मद फराज कहते हैं अरे हाँ सजनी भी अच्छा ट्रैक है, मजे का है. ये नहीं बोला इसके बारे में, बोलो ना कि पुराना ट्रैक है, बोलो क्यों नहीं बोला. मोहम्मद शहजाद कहते हैं भाई आप नहीं बना क्या, तो क्या हुआ अपना पंखा, आपने कोशिश पूरी कर दी. क्या समझ नहीं आया किसके बारे में बात कर रहे हो.
अच्छा जी, अच्छा सही है, ओके। काशिफ मंदूर कहते हैं जी फाइन, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एम सज्जाद जट कलासन, क्या नाम है भाई, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और अच्छा जी हाकिम नोहड़ियो कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया। काशिफ मंजूर कहते हैं कि वाह वाह जी, क्या बात है, क्या कहने, फरहाना भी आपके बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जुल्फ़िकार अली खास खेली बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम है अपनी इसलाह करना, सही बात है। प्रिंस सलमान वीर कहते हैं कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ लेते हैं। अच्छा सही है, साथ साथ किसी के ना पांव कभी नहीं पकड़ने चाहिए जिंदगी में, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो लोग कुचल रहे हैं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल कीजिए, बाकी चीज़ें तो हो ही जाती हैं ज़िंदगी में। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सही है, आई हैव दैट प्रायोरिटी फर्स्ट, सही है। सो देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अंकल कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह का करम है। हेलो हेलो करके आपने फौरन फोन बंद कर दिया। नहीं मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी कुछ अंकल, बिल्कुल वो आंटी बोलने लगी थी वो पीछे से, तो मेरे तो रुपए जाया हो गए ना। ओहो अंकल चले हम चले कोई बात नहीं। हाँ हाँ बताइए ना अंकल, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है? क्या वो आइसक्रीम खाई आपने? नहीं मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, बहुत दिन हो गए नहीं खाई आइसक्रीम। तो उस दिन तो मैंने आपको बताया था आइसक्रीम की आवाज सुनाई थी मैंने आपको। हाँ आपने उस दिन सुनाई थी आवाज, लेकिन खाई तो नहीं ना मैंने आइसक्रीम। तो खा लेना चाहिए ना फिर। खा लेना चाहिए, चलें खा लेंगे। अच्छा। तो ये अपने आबिद अमीर और ये मसूद अहमद साहब क्या कर रहे हैं? पता नहीं अंकल, कुछ ना कुछ तो कर ही रहोगे। अच्छा वो पुराना रिकॉर्ड में तो सुनता रहता हूँ, आपके मैसेज तो आते नहीं है। नहीं वो भी आ जाएंगे आज, बहुत लेजी हो गई हूँ अंकल मैं। ये सुनो। हाँ जी सुनो, सुनाइए। ये पुराने में सुनता हूँ। हाँ। पता चल जाएगा। अंकल ये ना करें। वो आपका है ना, ये कोई थोड़ी वो होगा। वो तो है, मुझे पता है, वो तो है। हाँ। तो आप मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई मैसेज ही नहीं आते, कोई ना रेडियो में सुनता हूँ, तो मैं क्या अभी जवाब दूँ आपको? अच्छा अभी आएगा मैसेज अंकल। हाँ। आपको दो मिनट में पोर्टल पे मैसेज भी नहीं ले रहे आप किसका? हाँ वो अंकल SMS। हाँ अंकल वो बस इंशाल्लाह जल्दी करते हैं उसका सीन, हो जाएगा, कुछ चीजें हैं जिसके बाद वो हो जाएंगी। ठीक है जल्दी 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 में 5 महीने हो रहे हैं पता है आपको? 5 महीने हो गए। अप्रैल से आपने बंद किए SMS। अच्छा अंकल बस क्या करेंगे, बस टेक्निकल चीजें हैं, हो जाती हैं। मैं कहती हूँ आज लाजमी मैं कहती हूँ, ठीक है मैं दोबारा से याद दहानी करवाती हूँ। तो उस दिन नहीं कहा था आपने? किस दिन, मैं भूल जाती हूँ अंकल। मेरा मसला तो यही है, जो बातें मुझे भूल जानी चाहिए वो तो बातें मेरे जहन से निकलती ही नहीं है, चिपक जाती है दिमाग से, और जो बातें मुझे याद रह जानी चाहिए वो मैं भूल जाती हूँ। और दूसरा ऊपर से आपने ये कर दिया कि 29 जून से आपने 4 मिनट की कॉल कर दी। अंकल वो सबको मौका मिल जाए ना, फिर लोग जो है ना वो 10-10 मिनट की कॉल करते हैं फिर, इसलिए अब मुझे ना आपकी आवाज सुनने के लिए ना मैं तड़प जाता हूँ। अरे नहीं आज से तो बात हो जाती ना मरी अंकल, खैर है ना कॉल ही कर लो बस और क्या। अंकल फिर एक को मौका देना, फिर मसला ये की फिर सब लोग 10-10-15 मिनट के लिए वो फ्री हो जाते हैं बातें करने के लिए, और फिर उनकी कॉल ना लो तो फिर उनको बुरा लगता है। अच्छा आपने 7 तारीख तक मुझे भेजे, फिर 8, 9, 10, 13 4 दिन ये हो गए, और आज का दिन ले लो 14 तारीख का, तो 500 हो गए मेरे पे। मैं कब सुनूंगा फिर और कब आपको मैं जवाब दूंगा? नहीं मैं अभी अंकल आपको अभी देती हूँ, सही थोड़ी देर में आपको शो मिल जाएंगे और फिर आप सुनिएगा फिर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? अच्छा और ये आपने 4 दिन का जो मैंने आपको फीडबैक दिए दो आपको मिले? अंकल मुझे नहीं मिले वो बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मिलते मेरे यहाँ भी मतलब स्क्रीन पे नहीं आते हैं। हाँ अंकल बस कुछ मसला है, आप दोबारा एडिट कर दें उसको, एडिट करेंगे ना फिर वो मुझे मिल जाएंगे।
नहीं हर महीने हर दफा मेरे साथ ही क्यों ये इस तरह होता नहीं, है? नहीं बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और लोगों के भी कमेंट्स जो है वो मुझे नहीं जो है वो नजर आते वहाँ पे। तो इसका शिकायत कहाँ दर्ज करवानी पड़ेगी? इन पता नहीं अंकल, ये तो YouTube वाले कुछ करेंगे, YouTube पर कुछ आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम। अच्छा मैं रिपोर्ट करता हूँ इनको। अच्छा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। जरूर अंकल जरूर, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जैसे शो कीजिएगा। और गाड़ी ना गाड़ी चलाते वक्त जहाँ एक्सीडेंट हो ना तो अपना दिमाग हाजिर रखिए। उस दिन आपने अंकल मैं गाड़ी नहीं चलाती, आपका पाँव जो है ना एक्सीलेटर पे चला गया था, वो मेरा नहीं था, मैं नहीं चलाती गाड़ी अंकल। सभी पुराने नए लिसनर और घूमने लिसनर, एक्चुअली वो मेरे फादर मेरे साथ थे उस दिन। जैनब ने आपको सलाम कहा है? अच्छा चले वालेकुम अस्सलाम जैनब, वो आपको सलाम कह रही है। चलें वालेकुम अस्सलाम जैनब, के लिए बहुत सारी दुआएं। आपसे वो बात करना नहीं चाहती, कह रही है मेरे पाँव पे मेहंदी लगी हुई है। तो पाँव पे लगी है तो पाँव से थोड़ी ना कोई बात करता है। चले ओके बेटा, ओके ओके, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके चलें जी, जबरदस्त हो गया और ठीक है ना। अच्छा जी, सो 03216603603 से नंबर टू कॉल, नए नवेले लोग आएंगे ठीक है ना, क्योंकि आज है ट्यूसडे, सो हम नए लोगों को मौका देंगे, नए लोग आ जाएं और कॉल्स कर सकते हैं। और आपसे हमने पूछा भाई दुनिया का मुश्किल तरीन काम कौन सा है, सबसे पहले तो ये शेयर कर दें, साथ साथ आप हमारे साथ शेयर करेंगे भाई आपने एक लाइन को कम्प्लीट करने की, कुछ चीज़ें उस वक्त ही अच्छी लगती हैं कि जब वॉट। शमशाद खरल वालेकुम असलम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं कि सुबह बखैर। नथीराम सौदा कहते हैं मोहतरमा आप बहुत अच्छा गुनगुनाती हो माशाल्लाह, आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके कान बहुत अच्छे सच्ची में। राबिया नास कुरैशी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आप जी क्या हाल हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत अच्छे हैं। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया तमाम लोग आ गए इसमें, क्योंकि फिर किसी का नाम लो किसी का नाम नहीं लो फिर अच्छा नहीं लगता वो ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, काशिफ अली मलिक। साथ साथ मसूद अहमद कहते हैं मुस्कान मैन, आप मुस्कान मैन क्या होता है मैम, आपको वो वाला सॉन्ग गुनगुनाना प्लीज, दिल तो खोया यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता ये कौन सा गाना है, ये कौन सा गाना है कि दिल तो खोया है यहीं, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, वो वाला, इज दैट राइट? चलें जो भी है खैर। आप लोग तो कौन कौन से गाने बताते हैं। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं एक बात फराज भाई भी मेरे प्यारे दोस्तों में शामिल हैं, गाने का नाम ना ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, अच्छा सही है, कहते हैं कहते हैं ओ भदे ये वाला थोड़ी बनना है। नहीं तो तुम बन जाओ, तुम्हें शौक है तो ओके। साथ साथ अच्छा जी मैं साथ साथ ना शो भी पोस्ट कर देती हूँ ताकि अंकल को मिल जाए, और फिर उसके बाद ये होता है कि शो जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो लोग सुन लेंगे ठीक है ना। बस देखें फराज अली राहिब बहुत शुक्रिया, नहीं फराज राहिब अली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कौन है मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आप कहाँ हैं मैम, कि खून भी आपने कहा कि मैं खून पीती हूँ और अब ज़ियाउल्लाह। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कह के तो देखें छोड़ती तो फिर मैं किसी को नहीं हूँ। मोहम्मद फराज कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, और ज़िशान खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ और कौन है हमारे साथ, फराज राहिब अली खोसो कहते हैं हजरत हमारे पास भी सिर्फ कराची वालों को छोड़ो हमें भी देख लें, टाइम देते हैं हमारे, अरे कमेंट्स आप लोगों की तो बढ़े क्या हो गया। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि आप भी समझ आई कुछ आईडी की, कौन सी आईडी की, कौन सी आईडी की समझ आई? मुझे आईडी सब समझ में आ जाती है, अगर मैं रिएक्ट नहीं करती इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया ठीक है। सो मुझे बेवकूफ़ बनाना ना आसान नहीं है, इस बात को याद रखिएगा बस, बस इतनी सी बात है। ज़िशान खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू समझ, कहते हैं आप ही शाजिया क्यों नहीं आ रही, तुम लोगों को शाजिया की क्यों इतनी फिक्र है भाई कि शाजिया क्यों नहीं आ रही है, आ जाएगी शाजिया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं स्ट्रिंग के सारे ट्रैक ऑसम हैं, जो बात है, कहते हैं पुराना नहीं है ये न्यू आवाज़ में दम है। सही है। ज़िशान काकड़ कहते हैं कि क्या कहते हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम खुशियां बांटने वाली बहन, वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ और कौन है हमारे साथ,
चलें, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, कहते हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हबीब रहमान हाय कहते हैं, बहुत शुक्रिया। आयशा खान कहती है हाय, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फराज कहते हैं कि कल यासिर ने, अरे कॉल आ रही है और मैं जो है ना, देखें जरा मेरे काम, चेक करें जरा मेरे काम। चलें हम ना शामिल करते हैं कॉल को, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अरे कॉल मिल गई आपकी, कौन है लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आबिद अमीर? आबिद अमीर नहीं हूँ, इनके वाइफ हूँ। अच्छा, ओ सॉरी। कैसी हैं आप? मैंने कहा आवाज थोड़ी चेंज तो लग रही है, मैं तुक्का मारा मैंने। कैसी हैं आप आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, क्या मैं एकदम जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम प्यारी सी। हाय, मेरी तरफ? हाँ बिल्कुल, हम दोनों ही प्यारे हैं बिल्कुल। जी बताइए, क्या कहेंगी? किस बारे में? मैंने अभी अभी जस्ट ट्यूनिंग किया है। अच्छा, तो आजकल वैसे धनिया क्या हिसाब मिल रहा है, यही बता दें। हमें तो पता ही नहीं, हम तो जाते नहीं है। सॉरी, क्या नाम है? यही बता दें कि धनिया क्या हिसाब मिल रहा है, क्योंकि हम तो जाते नहीं कभी खरीदने। धनिया 10 रुपए की एक गड्ढी कर दी है, वो 10 की 10 मिलनी चाहिए, वो 10 की 1 कर दी है। अच्छा, 10 की 10 मिलनी चाहिए, ये महंगा है? और अच्छा, और क्या, बहुत महंगा है। अच्छा, 10 रुपए बहुत महंगा है, ठीक है, सही है। मतलब अच्छा, हाँ, किसके बारे में पूछ ले? सब्जी वाले से पूछ रहे हैं। अच्छा, सब्जी वाले से, अभी सब्जी वाले को कॉल करना मना है ना, इसलिए हम किसी और दिन पूछेंगे। सब्जी वाला बहुत फ्री हो रहा था ना, इसलिए हमने भगा दिया सब्जी वाले को। हाँ। ये तो बड़ा जबरदस्त हुआ। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुश्किल तरीन काम है दुनिया का, सबसे मुश्किल तरीन काम जो आपको लगता हो? बस आज क्या पकाएं? आज क्या, जो बात है भाई, आज क्या पकाएं? मुश्किल तरीन सवाल है और मुश्किल तरीन काम भी है। क्या अपने काम, मतलब पक तो जाता है, वो तो काम मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तरीन सवाल है कि आज क्या पकाएं? पके क्या जो है, मैं किचन में ही खरीदी हूँ इनकी वजह से। अच्छा, कमरे में जाए तो मैं किचन में खड़े होकर सही से बात कर सकूं। इनको बोले चले कमरे में जाए, बात करने दे। और क्या, मेरी तो पूरी जिंदगी किचन में ही निकल गई है। अभी भी देखे, इनको चकोतरे का शेक बनाना था। अच्छा, वो बना कर दिया। तो इनको क्या भाई, खुद ही चकोतरे का जूस खुद ही निकाल लें, इतना सा काम तो कर सकते हैं। हेल्प किया करें भाई बेगम की, सुन्नत है, सुन्नत करी ना दे। हाँ नहीं, अच्छा, इन कामों में लोगों को सुन्नत याद नहीं आती? 4 शादियों के बाद सुन्नत है, और 4 शादियां करेंगे तो सुन्नत है, है? घर के काम करवाने में याद नहीं आता कि सुन्नत है? लड्डू फोड़ रहे होते हैं इनके, दूसरी शादी के नाम पर। इनके लड्डू ना फोड़ दिया करें आप, जो लड्डू इनके फूटे ना उनको फोड़ दिया करें आप, पता है? मैं तो ना रहेगा 5 बजेगी। ये चीज देखे, सही है ना? और क्या, बिचारी का क्या कसूर उसका, उसको छोड़िए ना तो। हाँ। ये भोली भाली आवाज भी नहीं निकालती घर में, पता नहीं आज बात करते हुए कौन सा इसके अंदर आपने। आपने मेरा रोजाना शो सुना करे, मैं ना एकदम ट्रेन कर देती हूँ लोगों को। अरे मैं तो डेली सुनती हूँ, चाहे मैसेज करती हूँ, नहीं करती। अरे वाह, डेली सुनते हूँ। अरे वाह, फिर तो आप तो बस बस तो बस फिर आप तो ट्रेन एकदम ट्रेन है आप, आपको तो जरूरत ही नहीं कुछ गाने की। बस कर दे, आपको किसने दिया है फोन, बात करने दे आयशा से। ये बस मुझे फोन करूंगा ही नहीं, एक्सक्यूज मी, मैंने तो फोन किया। हाँ हाँ जी, और क्या कहेंगी आयशा इसके अलावा? बस और कुछ नहीं, वाला बस जबरदस्त, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। बिल्कुल जरूर। चलें, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, धनिया 10 रुपए का हो गया, महंगा ही है। अगर मैं अपनी अम्मी को कहूँ ना कि कोई फला चीज जो है ना, वो अगर वो 500 की अगर मुझे सस्ती लगती है, तो कहते तुम तो कोई रईस की औलाद हो। कि तुम्हें 500 रुपए वाली चीज भी सस्ती लग रही है। क्या करें, हम मासूम लोग हैं ना, हमें क्या बताओ, हम कौन सी खरीदारी करने जाते हैं, जो हमें बताओ। देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आवाज है खुशी की?
लारेब बात कर रही है। अच्छा, ये जो दूसरी नंबर वाली खुशी थी, मुझे लगा कि खुशी है। क्या हाल है लारेब, कैसी हैं आप? हाँ, मेरी बहन। अच्छा, वो आपकी बहन है। ओके, ठीक हो गया। सो जी लारेब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बताइए कब। अच्छा, मेरे ख्याल से आप ही हैं वो जिन्होंने शिकायत की थी कि फरहान आपके शो में कॉल नहीं मिलती है ना। हाँ, मुझे बताया वो मेरा ने कि भाई आपकी कोई फैन है कि वो कहती है कि फरहाना के शो में तो कॉल ही नहीं मिलती, एक साल से सुन रही हूँ शो। चलें, फाइनली आज आपकी कॉल मिल गई। आपकी बहन की तो कॉल मिल जाती है, आपकी कॉल क्यों नहीं मिलती? अच्छा, चलें ठीक है। और बताइए क्या कहेंगी? चलें बहन से बात करवा दें। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खुशी? मैं एकदम जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी सी। आप बताइए। मैं भी बहुत प्यारी सी हूँ। आप भी बहुत प्यारी सी हैं। हाँ बिल्कुल जी, आप होंगी मुझे यकीन है। और बताइए क्या बताऊँ, टॉपिक बताएं आपकी। हाँ, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है? आपके शो में कॉल लगना। मेरे शो में कॉल लगना, ओके ठीक है। मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है आपके समय को। ठीक हो गया। और इसके अलावा आप ही पश्तो आती आपको? नहीं, मुझे पश्तो नहीं आती, क्या करें, सो सैड ना, नहीं आती। पखैर अगले इतना आता है बस। पखैर अगले आते हैं बस। और वो एक और वो कुछ लाइंस थी, मैं भूल गई हूँ, अब पहले आती थी वो मुझे। चलें खैर है, वो कभी फिर दोबारा सीख लेंगे। लड़की इतने टाइम बाद स्कूल खुले क्यों छुट्टी करती हो, बाद में सुन लिया करो मेरा शो। पता है क्या करो, तुम जो फोन तुम्हारे पास है, अम्मी ने कहा नहीं दिखाओ चोट, भाई तुम्हारी अम्मी बड़ी मासूम है। ना करो लड़की। और बताओ क्या कहोगे इसके अलावा? आपकी अपनी अम्मी की तबीयत ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अपनी बहन का नाम बताओ कि मेरी बहन तेरी। क्या, अपनी बहन का नाम बताऊँ? मेरी बहन का नाम है कावल, बहुत प्यारा नाम है ना। हाँ वो भी ऐसी प्यारी है। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? आप भी जमीर को बोलो कि मैं ना आज बिरयानी बनाऊंगी, अगर खाना है हमारे घर आज जो। चलो ही, आप भी जमीर के मजे भाई, हर कोई दावत दे देता है बिरयानी आगे खा ले हमारे घर। ये सही है भाई, ठीक हो गया, सही है। अगर आपने कहा है तो आप भी आ जाए। अरे नहीं। मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ, ठीक है। चलो जबरदस्त हो गया खुशी, बहुत शुक्रिया। आप भी? हाँ जी, जब आप फराज को डांटती है ना, मुझे बहुत बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बस देखो अब फराज को कितनी डांट पड़ेगी अब। चलो बहुत शुक्रिया अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। हाफिज, हाफिज। कौन सा गाना सुनाऊं? पश्तो में सुनाऊं? चलो पश्तो में सुना देंगे, ठीक है। चलो सही है, हाफिज। हाँ अलाफिज, अलाफिज। ओके, अच्छा जी। और मोहम्मद फराज कहते हैं कल यासिर ने जो है वो क्या एंड कर दिया, रियली उसकी आवाज़ में बात है। हाँ बिल्कुल जी, बहुत जो है वो अच्छा गाते हैं यासिर, बहुत ही सुरीले हैं। अशरफ अवन, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुख्तियार बलोच कहते हैं नाइस शो अभी, थैंक यू सो मच। और साथ साथ जाहिद आकाश कहते हैं कि अभी आज मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ से अंदाज़ा लगाया मैंने। हैं, मेरी आवाज़ को क्या हो गया? कल था मेरा गला ख़राब, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, अब तो काफ़ी ठीक हो गया। कल मेरा गला ख़राब था, गला बैठ गया था मेरा। बशीर अरमान कहते हैं कि पता नहीं कौन सा कह रहे हैं कि ये सॉन्ग सुना दें, सॉन्ग का पता नहीं क्या नाम लिखा, समझ नहीं आया मुझे। साथ साथ काशी वाली मलिक कहते हैं कि आज ना आबिद भाई नहीं है, नहीं खाएंगे बिरयानी, आप आ जाओ। अच्छा चले, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं भाई फराना? अरे मेरे मिजाज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा आला। आप बताइए, आप कैसी हैं? नहीं साहिबा ठीक हैं, खैरियत से हैं?
मैं बिल्कुल ठीक, वही मैं हूँ और वही रब की शुक्र गुजारी है। और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह सारी कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। और टीचर बात सुने, मैं ना पूरा पूरा होमवर्क भी करके आती हूँ और ना रोज आती हूँ डेस्क भी बजाती हूँ, बैठने भी देती हूँ टीचर, लेकिन आपने नहीं मेरी तरफ देखा। कल आपकी कॉल नहीं लगी? हाँ मैं यही सोच रही थी आपकी कॉल शायद आपकी कल कॉल नहीं लगी, मैंने कहा शायद आपने कॉल नहीं की कल। नहीं मेरी लगी नहीं रही, आती जरूर हूँ और नजरिया घंटे ही लगता है बड़ी शब्द। अरे नहीं नहीं, कल कई नजरों को देखे बस फूंक मार दे बस। नजर तो वैसे बरहक है लेकिन मैं बड़ा कुछ है, अल्लाह ने जब गाइड हमें किया बहुत कुछ पढ़ने को, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी दुआएं रहती हैं। जजाक अल्लाह। सबसे पहले तो आज आपके लिए भी जजाक अल्लाह। तो सबसे पहले टॉपिक पे आ जाए कि जरा क्या कह रही थी, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है? अच्छा ये वाला पहले पूछ रही थी, कोई भी बता दे। तो ये जी आपको पता है कि बिल्कुल सच्ची सच्ची बता देती हूँ मैं। तो एक तो ये कि ना मतलब ये कॉल लगाना, कॉल लगाना ठीक है, जब कोई खास तौर पर कोई टोक दे। और दूसरे ये कोई टोक दे ना, किसी के दिल में जगह बनाना मुश्किल है। हाँ दिल से उतरना बहुत आसान है, जगह बनाना मुश्किल है। और एक ये कि ना आप किसी बात का यकीन दिलाना किसी को, फर्ज करे कोई आया है आपने अपने ध्यान में गिलास ऐसे इधर से उधर रखा और आपको हो सकता है मच्छर ही तंग कर रहा हो, माथे पे तेवरियां डाल ली हो, तो वो कहेंगे हमें देख के आपने ऐसी किया है जैसे गिलास और फिर रखा। तो ये एक मिसाल दे रही हूँ, तो अपने साथ तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मतलब दूसरी को यकीन दिलाना किसी भी मामले में। अब लंदन नहीं यकीन करता जब तक नहीं है मतलब कुछ और ही बात हो, हालांकि मतलब पढ़ करे किताब है आपने जोर से रखी, दूसरा आया उसने कहा कि हाँ मेरा आना पसंद नहीं आया तो इसलिए किताब पढ़ गई है। तो ये बस ये कुछ बातें थी यार, बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा बात हुई, मैंने कहा मैं बताऊंगी कि टीचर मैं रोज आ रही हूँ टीचर, और मैं डेस्क भी बजाती हूँ टीचर, वो हम आ दे रहे हैं, वो कहते हैं तो आपकी मोहब्बत में। बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ ना मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से ना हम तमाम साथी वो भी सुन रही होती है, बस आप उनके नाम क्या लेंगे उनको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम कहें। वालेकुम अस्सलाम। मतलब हम लोग फिर डिस्कस करती हैं तरह तरह के टॉपिक साइकोलॉजी के हिसाब से या जो कुछ हमारे मुआशरे में। अगर हम किसी को एक, मैंने ये देखा कि आप किसी को नहीं पूछे, यानी आप थोड़ा सा देखो कि अगर कोई आपकी सुनता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना काम करते रहो। सही बात है। अपने रास्ते पे चलो और सबने अल्लाह की तरफ ही रास्ता पकड़ा हुआ है, तो आप कांटे रास्ते के या जो भी चीजें हैं आप हटाते तो दूसरों के लिए भी रास्ता बनता जाए। तो ये मेरे नजदीक तो ये सब सही है कि बजाय ये कि आप ना मतलब एक दफा कह दिया दो दफा कह दिया, तो खपने से ज्यादा बेहतर ये है कि आप ना दूसरे के लिए भलाई और खैर को ना छोड़ो। सही सही। दूसरे के लिए भलाई आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरा आपके नहीं सुन रहा, आप उसके लिए भलाई और खैर की दुआ मांग दो। और ये ऐसा रजा साहब को कहें कि ये क्या ये कौन सी बात हो गई कि जन्नत से अल्लाह तो सबको नेक अपने अमल की वजह से देगा जन्नत जरूर, उसकी रहमत है। और सबसे पहले रहमत की नजर होनी चाहिए, उसकी मोहब्बत और रहमत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। लेकिन ये क्या आलम अरफा बेशक हकीकत है अरवा, लेकिन ये क्या भाई कि वहां से कॉल आ रही तो वहां तो भाई हमें इजाजत ही नहीं मिलेगी, वहां तो ये कहां फोन होंगे तो कहां मोबाइल होंगे। ठीक हो गया। जरूर आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जी जी फराना। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये दो घंटे जो होते हैं कितने तफरी हम कर सकते हैं, तो भाई अगर मैं आगे भी कह रही हूँ लेकिन कोई ना मतलब उसको उस तरह ले भी तो सही कि हम अच्छी अच्छी बात करके, जैसे मेरी कितने भाई हैं, ये मोहम्मद शहजाद है और ये मोहम्मद फराज है, आपस में खुश रहने की कोशिश करें। हम कह तो सकते हैं लेकिन अंदर से ये छोटी मोटी मुश्किल आदमी चाहते हैं कि ये लोग हैप्पी हैप्पी बातें करें और ना अच्छे अच्छे मैसेज करें, क्योंकि देखो ना जिंदगी तो परेशानियों से भरी हुई है। सही बात है। लेकिन हमें खुद खुशी ढूंढनी है, छोटी छोटी खुशी। अगर आप किसी से पूछ लो
कि कैसी सुबह कैसी लगती है आपको, सुबह हो रही है लेकिन आप उसमें भी खुशी ढूंढ लो कि अल्लाह का एक बड़ा मुझे है। सही बात है। कैसे निकलता है, सही बात है। ये बात मैं कहना चाह रही थी, और अपने पर लेबर ना कोई लगवाया करे, अपनी अच्छी शख्सियत रखे। चले ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद फराज और मोहम्मद शहजाद बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात। नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, वो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। माइंड करने के लिए भी माइंड होना जरूरी है ना, माइंड का होना जरूरी है। चले भाई, जरूर। वालेकुम अस्सलाम उनकी जाने से। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलाम। शादीशुदा परदेसियों का एक मसला ये भी है कि अपने घर लौटने पर बीवियां ये कहती हैं कि आप तो खाना बनाना, बर्तन धोने और प्रेस करने में माहिर हो चुके हैं, आपका हुनर यहाँ हमें भी दिखाएं कि किस मुंह से कोई वापस घर जाए। चले देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आवाज साफ है मेरी? जी जी बिल्कुल साफ एकदम। जी आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, और तमाम खूबसूरत सुबातों को मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा सैयदा फराना जी से खुशामदीद भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है वो ये है कि जब इशफाक अहमद साहब लिखारी मुकम्मल बन गए ना, तो उन्होंने पहली किताब लिखना चाहिए, तो अपनी वालदा मोहतरमा से अर्ज करते हैं कि अम्मी जान मैं अब किताब लिख रहा। सही है। तो वालदा मोहतरमा फरमाती हैं कि बेटा क्या लिखोगे? सॉरी, तो क्या लिखोगे किताब में, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? ठीक है। तो एक इशफाक साहब ने अर्ज की कि अम्मी जान मैं सच लिखूंगा। तो वालदा मोहतरमा ने फरमाया, बेटा अगर सच लिखना है तो अपने बारे में लिखना, दूसरों के बारे में सच लिखना। सही। ये मुस्लिम सैयद फराना की सेवा इतना मुश्किल काम है, अपने बारे में सच लिखना। हम जब भी बात करते हैं तमाम दोस्तों के लिए, गुफ्तगू सुनता हूँ आपकी, हम दूसरे की जात से बात को शुरू कर रहे होते हैं, तो आप ये करें, कहीं हम कहते हैं कि मैं ये करूँ, कभी भी नहीं कहते। हम दूसरों की जात को इतना जो सारा कुछ, हम दूसरों की जात से ही सारा कुछ शुरू करना चाह रहे होते हैं ना, और फिर इस ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि अपने बारे में सच बयान करना। और दूसरा, इससे जो दूसरा मुश्किल काम है वो मुश्किल काम ये है कि हम सच तो बयान करते हैं लेकिन सच सुनने की ताकत हम में नहीं होती। सही। हम सच सुन नहीं सकते, कभी भी नहीं सुन सकते, क्योंकि मेरे बारे में कोई अगर कोई मुझे मेरी सारी नेगेटिव चीजें मुझे बता रहे हो तो एक हद तक यानी कि मैं उनकी आपका क्या है इसमें लेना देना, लेकिन हालांकि वो बात ठीक हो रही है, बात ठीक कर रहे होते, यानी कि हम दूसरे की जात में सच बोलने के बहुत ज्यादा महल हो जाते हैं, और अपनी जात के बारे में सच सुनने के हम कायल नहीं है। सही। बिल्कुल। और हम तनकीद करना तो जानते हैं, बस हम तनकीद सुन नहीं सकते। सुन नहीं सकते ना हम, देखिए किसी की जात से आप मुझे एक घंटा दे रहे हैं, आप रमजान भाई इस पे आपने एक घंटा तनकीद करनी है, तो मैं इतना महर बन जाता हूँ तनकीद करने में, और जैसे कि कोरस नहीं किया होता हमने तनकीद करने का, वो हम कर रहे होते, लेकिन अपनी जात के बारे में हम एक चीज भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। यही हम कोशिश करेंगे, अगर हम सच बोलना चाहते हैं तो सच सुनने के भी ताकत हम अपने आप में पैदा करें। अगर हम ये चाहते हैं कि मेरी बात को सुना जाए, बिल्कुल सुना जाए, तो हमें ये भी अपने अंदर कुवत पैदा करने के लिए दूसरों की बात सुनने का भी हमारे अंदर जज्बा होगा। सही सही। और मोहतरमा सैयद, दूसरा जो सवाल है चीजों के हवाले से, जी तो हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त में ही वो चीज अगर जरूरत हो तो अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पर एक चीज की आपको जरूरत है, और उस जरूरत के वक्त वो चीज आपके पास दस्तयाब नहीं है या आपको नहीं मिल रही, तो बाद में मिलती है जब उस चीज की जरूरत नहीं है, तो उस चीज खत्म हो जाती है। सही। तो
काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो वक्त पे और जरूरत वक्त अच्छी होती है, और जरूरत के वक्त जो एक चीज है, एक मैं कागज पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ और मेरे पास पेंसिल नहीं है, मुझे उस वक्त पेंसिल की जरूरत है, तो पेंसिल मुझे उस वक्त दस्तयाब हो जाती है, मिल जाती है, मेरे लिए ये पेंसिल गनीमत से काम नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत बात, खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मीर हसन खोसो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, नाइस प्रोग्राम भी कहते हैं, ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम एहसान है। निशान काकर कहते हैं कि टुडे कमिंग टू कराची, ओके कहते हैं दिल नहीं करता जाने का, अच्छा कहते हैं आने का दिल नहीं करता कराची से वापस, ये कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं आया, मतलब कराची से वापस जा रहे हैं या कराची आ रहे हैं, कहना क्या चाहते हो भाई, उर्दू में लिख दिया करो। इस्टाइल शेरा कहते हैं भाजी जाहिद आकाश को मेरा सलाम कह दो क्यों आप आपको ब्लॉक किया हुआ है उसने। मोहम्मद शहजाद कहते हैं फराज भाई पाकिस्तानी है ओके चलें जी देखते हैं कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा। बिलाल बात कर रहा हूँ जी। बिलाल मेरे भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, पहली बार बात हो रही है आपसे। जी पहली बार बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। क्या कहेंगे टॉपिक पे, टॉपिक सुना आपने? टॉपिक तो सुना है। बताइए। काम तो बहुत जी मुश्किल है, पर मुझे तो सबसे मुश्किल यही लग रहा है कि सुबह उठने वाला, सुबह उठना मुश्किल काम लगता है, ठीक है जी जी। और कुछ चीजें उस वक्त ही अच्छी लगती हैं जब जी? कुछ चीजें उस वक्त ही अच्छी लगती हैं जब, इस लाइन को कंप्लीट करना है आपने। ये तो है। अच्छा इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके अलावा तो यही कहना चाहूंगा कि मैं प्रोग्राम तो रेगुलर सुनता हूं, कल पहली बार की आज। चलें जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई जी। चलें बहुत अच्छा किया आपने हाजिरी लगाकर, अच्छा लगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके अच्छा जी, मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि हाँ हाँ अच्छी बात है, अच्छा जी अच्छी बात है, समझ आ जाती है आपको उसका, उसके बाद ना वो आईडिया ऑफ हो गई है, मैं लोगों की रग रग से वाकिफ हो जाऊँ ना बस, फिर कुछ भी कर लें वो, बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते, हर्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी ऐसी आईडीज भी पता है जिससे कभी कमेंट ही नहीं किया जिंदगी में, मैं तो वो वाली आईडीज भी जानती हूँ, वो भी कभी आके इस्तेमाल करेंगे ना वो भी मैं बता दूंगी कि आईडी किसकी है। सो मेरा नाम फरहाना है, इस बात को जरा याद रखा करें। आमिर फराज वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इरफान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ओके नसरीन पटेल, अरे 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 ये कौन है क्या हाल है भाई पटेल साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और साथ साथ निशान काकर कहते हैं कि मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ती हैं आप? आप अभी प्रॉब्लम क्या है अभी? अरे हमें क्या बता, आपका कमेंट मुझे नजर आएगा तो मैं पढ़ूंगी ना, एक कमेंट एक कॉल को शामिल करेंगे। मोहम्मद फराज कहते हैं कि किसकी आइडिया, अरे छोड़ो कि जिसकी भी आइडिया, तुम्हें क्या लेना देना इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, क्या हाल है दादा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं, जन्नत नगर से। हाँ अल्लाह का एहसान है, राहों में पड़े हुए पत्थर थे हम, रिसीवर रिसीवर उठाकर आपने अनमोल कर दिया अरे ना करें ना करें ऐसी बातें, आप देखें आप तो पहले ही अनमोल हैं। और दूसरी बात ये कि फूलों का क्या है कि जो सांसों की गर्मी ना सह सके,
फूलों का क्या है जो सांसों की गर्मी न सह सके, उससे तो बेहतर है जो कांटे दामन थाम लेते हैं। हमारे बड़े भाई रमजान मलिक साहब आए, उनकी आवाज सुनी तो हमने कोशिश कर ली कि चले हम भी छोटे होते हुए आ जाए और उन सारी खूबसूरत समातों को हम मोहब्बत भरा सलाम भी देते हैं, जिनके दिलों में हमारे लिए एक छोटी सी अगर जगह है तो हमारे लिए बाइस शहादत है। और रह गया कि जिंदगी जो है ना एक मुसलसल इम्तिहान है और इस इम्तिहान से हमेशा आदमी नजरअंदाज रहता है और कोशिश यही करता है कि मैं कामयाबी की जिंदगी बसर करके अपने खूबसूरत बच्चों के साथ फर्स्ट पोजीशन में आ जाऊं। तो फर्स्ट पोजीशन बेटा दुनिया के अंदर आदमी हासिल करने के चक्कर में एक दूसरे की टांग खींचता है। सही बात है। तो वहाँ फर्स्ट पोजीशन कोई नहीं है क्योंकि वहाँ जब मैं गफीर है और हर शख्स अपने आमाल से परवरदिगार आलम का कुर्ब हासिल करेगा, तो उस कुर्ब के लिए अगर उम्मत मुसलमाना से हम मोहब्बत और अकुवत और इखलाक का दामन रखेंगे जोड़कर, तो इंशाल्लाह हमारी मगफरत भी हो जाएगी और हमारी पोजीशन दुनिया में भी वादा रहेगी और वहाँ तो भी हम उसके कुर्ब से लुत्फ़अंदोज़ होकर यकीनन अपने उन्हीं लोगों के दरमियान रहेंगे जैसे कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे मुश्किल तरीन काम है जिसको इंसान करने से इसलिए घबराता है कि वो अपनी ख्वाहिशें नफसानी का गुलाम बना हुआ है। बेशक। तो ख्वाहिश अम्बारा नफ्स अम्बारा के खिलाफ जिहाद करना ही इस्लाम है और उस इस्लाम को हासिल करने के लिए इंसान एक दूसरे के कपड़े धो रहा है तो उस कपड़े धोने से बेहतर यह है कि वो अपने कल्ब को धो ले। सही बात है। वही तो नहीं करते हम, कल्ब धोना पसंद नहीं करते हम, हमें कपड़े धोने में खुश हैं। नहीं तो मसला ये है कि कपड़े धोने के लिए बहुत सारी लॉन्ड्रियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है। हाँ भाई, उनका कारोबार बंद नहीं करें। तो सही है, खुदा के वास्ते समझे। सही बात है। शिरियानियों में जो खून दौड़ रहा है, जो खून दौड़ रहा है और जिसमें फसाद पैदा होता है, तो हिकमत ये कहती है कि करेला खाओ। करेला खाओ भी अगर नींद चढ़े करेले खाओगे तो खून साफ हो जाएगा और आपको कोई बीमारी लाख नहीं होगी। तो मेरे जुमले जो है ना बेटा, मैं तो अल्लाह कहता रहा शुरू से लेकर आज तक का, मरते दम तक का कहूंगा कि अशफाक साहब ने कहा अपनी वालदा से कि मैं किताब लिखना चाहता हूँ, तो बड़े भाई ने भी बता दिया कि उन्होंने कहा कि फिर अपने बारे में सच लिखना। तो मेरा सच यही है कि खाता मीठा हूँ, बोलता बहुत कड़वा हूँ, तो लोगों से कुछ से हजम हो जाता है और कुछ तो निकल देते हैं, तो तकलीफ है। समझे? सही बात। तो हम तकलीफ और रहमत और परेशानियों के दरमियान में जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ जी, और तकलीफ हाँ जी। को कभी नहीं समझो कि तकलीफ रहेगी सदा। तकलीफ सिर्फ आपको ठोकर लगाने के लिए आती है। सही बात है। आपको अकल दिलाने के लिए आती है कि आपको अकल आ जाए। अगर ठोकर से आपने सबक हासिल कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी भी समझ जाती है और माशरे के अंदर बदहाली खत्म होकर माशरा बहुत खूबसूरत हो जाता है। हम एक दूसरों को लफ्जों की दौलत से नवाजने वाले लोग आज एक जुमला कह रहा हूँ जो कोशिश करता रहा और अभी भी यही कोशिश करता हूँ कि लफ्जों को सौदागर बन जाऊँ इंसानों का ना। सही है। क्योंकि इंसानों की सौदागरी बहुत होती है, खूबसूरत लफ्जों की चुनावों का इस्तेमाल इंसानी की अखलाक और अख्तियार का बेहतरीन जरिया है जिसको हम लोग छोड़ बैठे हैं। अगर हम उसको मजबूती से थाम लें तो आपस के रिश्ते, आपस की जिंदगियां सवर जाएगी। परवरदिगार सबको खुश रखे, बाप दयाल मोहम्मद जो बीमार हैं उन सबको शफाए कुल्ली दे, और मेरे बड़े मोहतरम जितने भी और वक़्त सुनने वाले हैं, खूबसूरत समाज के मालिक हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा
से परवरदिगार उनके ऊपर अपने दफीने आया कर दे और मुझ जैसे जाहिल मतलब को सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। चलिए जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा रज़ा साहब, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, ज़ियाला खान कहते हैं आप लोगों को शाजिया जी की क्यों ज़्यादा फिक्र होने लगी है। अच्छा, साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि माशाल्लाह सेम टू सेम आवाज़ कह रहे हैं, मुझे लगा शायद आबिद भाई मजाक कर रहे हैं जब उन्होंने कहा ना कि असल में ना भाभी के हाथ की बिरयानी खा खा के ना आबिद मेरी आवाज़ भाभी जैसी हो गई है है ना, यही बात है आबिद अमीर। चलें जी देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे रेडियो बंद कर दीजिए। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हाँ लड़की कॉल मत ड्रॉप कर देना, क्या हाल है? हेलो, हाँ जी ठीक, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बहुत प्यारी सी। आप बताइए क्या हो रहा है? जी क्या हो रहा है रिदा? आपके शो में कॉल नहीं मिलते, बड़ी मुश्किलों से मिली है ये। चलो मिल गई ना लड़की, शुक्र अदा करो ना, शुक्र ही नहीं बनो नहीं। अच्छा नहीं, वो मुझे पता नहीं चलता कि कॉल किस किस की आ रही है, सर बहुत सारी कॉल आती रहती ना बैक टू बैक, तो पता नहीं चलता। मुश्किलों से कॉल लगी है, कल भी इतनी कॉल लगी लेकिन आपने उठाया नहीं, शुक्र आज उठा ली। चलो 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 आज तो मिल गई कॉल। ये बताओ लड़की क्या कहोगी, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या लगता है आपको, ये बताइए। सबसे मुश्किल काम कॉल ही ड्रॉप हो गई लड़की की, सबसे मुश्किल काम तो उस शायद इस कॉल मिलाना होगा। लड़की बैलेंस खत्म हो गया तुम्हारा मुझे लग रहा है। अच्छा जी मसूद साहब कहते हैं अजनबी अंकल की क्या पाँव में मेहंदी से एक वाक्या याद आ गया। हाँ जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, महक बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही है? महक। महक जी क्या हाल है महक जी? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। आपकी दुआओं से हमारी जिंदगी में बाहर निखार, सवार सब कुछ आया हुआ, सब कुछ आ गया। मुझे लग रहा है कि रिदा की आवाज आई है जी, ऐसा लगा मुझे कि रिदा ने दोबारा कॉल किया, आपने बोला ना ऐसे जी। अभी अभी जो मेरी कॉल कटी थी ना अभी, मैं ही बात कर रही थी जब भी। अच्छा आप बात कर रही थी, मैं समझी, मैंने कहा हृदय की आवाज़ है। अच्छा आप है, ठीक हो गया, महक है। अच्छा नहीं, वो भी करेंगी अभी। अच्छा वो भी करेंगी अभी, ठीक है जी। हाँ, अच्छा तो मैं आपको बता रही थी हाँ। कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम कौन सा, पहले तो समंदर पे वाइपर लगाना बहुत ज्यादा समंदर पे वाइपर लगाना वाइपर लगाना पानी वापस आता रहता है। तो कहा किसने वाइपर लगाओ वहाँ पे जाके? कपड़े धोना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाथ से जो है ना कपड़े बड़ी मुश्किल से धुलते हैं। अच्छा तो आसानी से क्यों नहीं धुलते? और जो तीसरा काम है ना, वो आपके शो में कॉल लगाना है, सबके शो में लग जाते लेकिन आपके शो में नहीं लगते सही है, ठीक है। और बस मेरी कॉल मिल गई ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं पहले से बात कर रही हूं आपसे। पता चल रहा है आपकी खुशी का अंदाजा हो रहा है। मेरी पहली दफा कॉल लगी ना, और बड़ी मुश्किलों से कॉल लगी, इसलिए तो ज्यादा ही खुशी हो रही है। अच्छा चलें जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा हाँ जी, हाँ कहिए क्या कहना चाह रही हैं? मैं कह रही थी कि हम लोग ना दो बहनें कॉल करती हैं। दो बहनें कॉल करती हैं? अच्छा कौन सी बहन है? ये रिदा है ना। अच्छा रिदा है, चलो रिदा से भी बात करवा दो जल्दी से। मुन्नी आ जाओ आ मुन्नी, तुमसे भी बात करें। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मुन्नी? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी, एकदम प्यारी सी। मुन्नी नहीं हूँ लेकिन मैं क्या करूँ नहीं वो सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा आप ही मुन्नी हैं? आप ही हो? हाँ बिल्कुल आप ही हो ना, सही बात है बिल्कुल जी, आप ही मुन्नी हैं, हम आपकी आप ही हैं, सही है जी। और अबू कह रहे हैं कि मुझे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है सौदा खरीदना बाजार से। सौदा खरीदना? अच्छा घर का सामान जो मंगवाती हैं आप, ग्रोसरी का? अबू अच्छा, लेके आते हैं ना। अच्छा वो कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल तरीन काम है। अब ये बताओ तुम्हारे अबू चार चीजें भूल के तो नहीं आते? नहीं नहीं भूल के नहीं आते, सब लेकर आ जाते हैं, याद से लेके आते हैं, दूर है ना। अच्छा उनको पता है दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए सारी चीजें याद से लेके आ जाते हैं सही है सही है। और क्या कहोगी? और आप ही आपके शो में तो भाई एक से एक सुरीला है, एक से एक सुरीला है ना, आरजे सुरीली होगी तो फिर देखो लिसनर सुरीले नहीं होंगे हैं?
कल का शो मैंने सुना था ना, आपने भी बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था और आपके लिसनर्स ने भी बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग गाए थे। मतलब बहुत अच्छी आवाज है ना, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, टैलेंट की कमी थोड़ी ना है। आप सिंगर क्यों नहीं बन जाते? मैं सिंगर बन जाऊं? अच्छा चलो देखते हैं। चलो देखेंगे कि बनना है कि नहीं बनना है। अच्छा इंसान बनना जरूरी है पहले, बाकी सिंगर बने ना बने क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये तो है ना। अच्छा और आपके सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? एक तो आपके शो में कॉल लगाना, हाँ? और चूटी की आंख में सुरमा लगाना। चूटी की आंख में सुरमा लगाना, चूटी ने कहा था कि मुझे तैयार होना है शाम को, मुझे किसी पार्टी में जाना है, मुझे सुरमा लगा दो। जी जी उसके सुरमा लगाना, उसके लिपस्टिक लगाना मुश्किल काम है ना। मुझे नहीं पता, मैंने कभी पार्लर खोला नहीं चूटियों वाला ना, चूटियों वाला कि कभी आई हो चूटी, उसने कहा हो कि मुझे तैयार कर दो, मेरा ब्राइडल मेकअप कर दो, मेरा फेशियल कर दो, यू नो फेशियल क्या होता है बाद में, फेशियल होता है। सही बात है, सही बात है, अपने मुंह पे मेकअप कर ले बंदा वही काफी, उसका भी दिल नहीं जाता सुबह सुबह। चलो ठीक है। हाँ मेरे अबू कह रहे पुराने गाने भी लगा दिया करे कभी पाकिस्तानी। सारे पुराने गाने, ये नया एक भी नहीं है इसमें। अच्छा हाँ। गहरी बात है, चलो सही है, बहुत शुक्रिया मुन्नी, अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अपने अबू को सलाम अच्छा। कहिएगा, अम्मी को भी सलाम कहिएगा, ठीक है मेरी जानिब से। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है मुन्नी। काश वाले वाले कहते हैं कि वैसे सब्जी वाले से पूछ लेंगे चप्पल का नंबर याद है या भूल गए। इमरान जट कहते हैं अरे ये माइक को क्या हुआ। इमरान जट कहते हैं कि शो इज सो लवली, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। स्टाइलिश हिरा कहती हैं कि बाजी जाहिद आकाश ने आपका शो का बताया था, अब हम तीनों बहनें सुन रही हैं और आपका, अरे वाह क्या बात कह रही हैं आप, बहुत अच्छा शो कर दें, थैंक यू सो मच स्टाइलिश हिरा, क्या बात है तीनों बहनें मेरा शो सुनती है, जबरदस्त हो गया भाई। मसूद अहमद साहब कहते हैं अजनबी अंकल की पाँव में मेहंदी से एक वाक्य याद आया कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से जरा मेरा एक खत लिख दें, उसने कहा कि मेरे पाँव में दर्द है, तो दोस्त ने कहा कि खत तो हाथ से लिखा जाता है, तो उसने कहा कि इसको पढ़ने के लिए मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या गहरी बात थी इसमें। साथ ज़ियाउल्लाह खान के थोड़ी देर पहले मेरा नाम कॉल ले रहा था, इतने अदब से आप, इतने अदब से ही आपका नाम लिया जा रहा था, ज़ियाउल्लाह खान जितने अदब से आप बातें करते हैं सबके लिए। जिशान काकर कहते हैं कि आप पश्तो सॉन्ग अच्छा जी। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगा दुआ की अम्मी की कॉल सुनकर, अल्लाह पाक आयशा को हंसता खेलता परिवार पूरी अता फरमाए, पूरी अता फरमाए, अच्छा कहते हैं परिवार अता फरमाए, चले बहुत शुक्रिया। अमीन समामीन कहते हैं वैसे ये सब ये भी ना अच्छा आइडिया है कि अली की तरह ना अम्मी से कॉल करवा कर बीच में खुद घुस कर बातें कर लेना। हम भी कटा देते हैं, हम कौन सा कम है। साथ साथ ओके मोहम्मद फराज कहते हैं खुशी बिरयानी आती है आपको बनाना, वो बिरयानी कम होती होगी और दाल चावल ज़्यादा होते होंगे। अच्छा जी शाहिदुल्ला खान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कहते हैं फ्रॉम बन्नू। ओके बन्नू से सुनते हैं कहते शो इज़ वेरी गुड, प्लीज़ कोई भी उर्दू सॉन्ग लगा दें, हम उर्दू सॉन्ग ही तो प्ले करते हैं। और चलें कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? मेरे हाल पढ़ के छाने में, किचन में बिजी हूँ, तो मेरे क्या हाल होंगे? किचन में बिजी? हाँ मैं यही सोच रही थी, तो अब तुम किचन में कुछ काम कर रही हो, क्या पका रही हो लड़की बताओ चलो जल्दी से। आज मैं परंदे की बिरयानी पका रही हूँ। किसकी बिरयानी? परंदे की, परंदे की। कभी बिरयानी आपने खाई है? माय फादर इज होनेस्ट। परिंदे की बिरयानी? जी जी। अच्छा नहीं मैंने कभी नहीं खाई हुई, ये कौन से परिंदे की बिरयानी है? अच्छा जो शिकारी नहीं, शिकार पे जाते हैं तो परंदे कुछ घर में भी लाते हैं, तो हमारा जो अब्बू है ना वो शिकारी है, उसने कल मारा है दो परंदे। अच्छा तो दो परिंदों की बिरयानी पका रही हो, ठीक है। कौन से परिंदे? परिंदों के नाम तो बताओ, तितर थे, बटेर थे, कौन से थे? हमारी गुलाबी उर्दू है, उर्दू से नहीं आती है, पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा नहीं तो और आपकी जबान में क्या कहते हैं उसे, ये तो बता दें। सावक। क्या बोलते हैं? सावक। सावक, अच्छा ठीक है।
चलें ठीक है, हम आपको हमारी उर्दू अच्छी नहीं आती, हमें आपकी ज़बानी आती है, खैर है उर्दू तो आप फिर भी काफ़ी अच्छी बोल लेती हैं। और इसके अलावा क्या कहेंगी ये बताइए। मेरी दोस्त की कमेंट आपने रीड आउट की है? क्या किया है? रीड आउट मेरे दोस्त की जो कमेंट आपके पास आई है। हाँ हाँ वो आपकी आती है ना दोस्त, क्या नाम था उनका, नाम भूल गई मैं, बस आपका ही नाम याद रह गया मुझे। हाँ आपकी दोस्त कमेंट करती है। हाँ हाँ बिल्कुल। नाम बताएगी ना? नाम आपका बताया था, सदीफा भाई कहा था कि सदीफा जो है वो शो सुनती है, बताया था उन्होंने मुझे, मैसेज पहुंचा दिया था आपका। मैं उस टाइम में किचन में सो रही थी। अच्छा चलो जबरदस्त हो गया। मेरी कॉल को मिस नहीं करती लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कॉल करने का। अच्छा हाँ चलो ये तो अच्छी बात है, बस शो मिस नहीं करना, चाहे कॉल करो ना करो। जब मैं नंबर डायल करती हूँ तो आवाज आती आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मशरूम है, बुराई मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश। अरे थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे तो हमारी सालन जल जाएगी। सही है। सही है। पड़ेगी अम्मी के हाथ में। हाँ सही बात है, अम्मी मारेगी ना। और क्या, सालन जलाओगी तो अम्मी मारेंगे फिर। सही है, बिरयानी नहीं जलाना, वो भी परिंदों की इतनी मुश्किल से शिकार करके लेकर आए, जलाना नहीं उसको। नहीं नहीं आ, उसको नहीं जलाते। हाँ ये बहुत अच्छा करती हो। और इसके अलावा कुछ कहना चाहोगी? टॉपिक मैंने सुनी है। हाँ बता दो। मैं लाइन कंप्लेन नहीं करूंगी, जो मुश्किल काम है वो किचन की काम है। किचन के काम है मुश्किल काम, ठीक हो गया, सही है, चलो जबरदस्त हो गया। और मेरी टॉपिक पे जवाब दोगी? हाँ आपके टॉपिक पे जवाब, चलो देखेंगे, जवाब देने वाला होगा तो दे देंगे वरना तो नहीं। टॉपिक आजकल रखती हूँ ना मैं, आज ये बनने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा हाँ हाँ। तो मेरा टॉपिक आज ये है कि वो खूबसूरत है लेकिन। हाँ वो खूबसूरत है लेकिन। अच्छा ये मेरे बारे में कह रही हैं आप? अच्छा तो अगर देखो मैं खूबसूरत हूँ लेकिन दिमाग बहुत खराब है मेरे। ये सही है, ये सही है, सही है ना, बहुत दिमाग खराब है मेरा। लेकिन लोगों को तो यही लगता है ना इसका दिमाग खराब है, पागल है ये लड़की, पागल है, पागल है। पागल तो हम लोग हैं। अच्छा सही है। मेरी दोस्त के साथ बात करोगी? क्या मेरी दोस्त के साथ बात करोगी? हाँ हाँ करवा दो जल्दी से, जरा टाइम कम है हमारे पास, जल्दी से बात करवा दो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है सिस्टर? मेरे मिजाज एकदम आला जबरदस्त। नाम बताइएगा अपना, दोस्त का नाम बताएं। वसीला बलोच है। वसीला बलोच, ओके हाँ आप वसीला, मुझे याद आ रहा था कोई डब्ल्यू से कोई नाम था। ओके कैसी हैं आप वसीला? मैं सदीवा की दोस्त हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं। नहीं कमेंट आप रिडल्स नहीं करते? मैं करती तो हूँ, शामिल तो किए मैंने आपके कॉमेंट्स। आज मैंने दो कमेंट किए, आपने पढ़े ही नहीं। तो दो कमेंट कहाँ मिलेंगे मुझे, तो 10-12 कमेंट, 50 कमेंट्स करने पड़ेंगे तब जाके मुझे मिलेंगे, पता है? 10-12 और नहीं तो क्या, दो कमेंट्स थोड़ी मिलेंगे। आप इतने सारे लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो गायब हो जाते हैं उसमें, खो जाते हैं। कहाँ खो जाते हैं? कमेंट्स के अंदर ही खो जाते हैं और कहाँ खोएंगे। मेरी दोस्त आज बिरयानी बना रही है, आपको इनवाइट है। अच्छा चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह बारकअल्लाह। और शीर खोरमा भी बना रही है। शीर खोरमा भी बना रही है, ओके दैट्स ग्रेट, जबरदस्त हो गया। वो किचन में हमेशा काम करती है, मैं नहीं करती हूँ किचन में काम। तो तुम आती हो तो उसकी हेल्प ही कर दिया करो थोड़ी सी, बेचारी को इतना मुश्किल तरीन काम लगता है वो दुनिया का। मैं सारे दिन मोबाइल में रहती हूँ बस। ये कैसी लड़की कह रही हूँ, सारे दिन मोबाइल में रहती हूँ बस। अच्छा तुम्हें डांट नहीं पड़ती फिर अम्मी से? अम्मी डांटती है क्या करूँ। अच्छा तो फिर अम्मी की बात मानो, सारा दिन मोबाइल में मत रहा करो, सही है? अम्मी की बात मानती हूँ लेकिन काम नहीं करूँ। काम भी क्या करो, ऐसे तो तुम जो है ना वो पता है मशीन भी रखी रखी खराब हो जाती है। मेरी बहन है वो काम करेगी। अच्छा वो काम करेंगी, सही है भाई, ये सही पॉलिसी है, ये बहनों की ना छोटी बहनों वाली ये पॉलिसी सही है, मेरी बड़ी बहन है वो काम करेंगी, हम आराम करेंगे, फोन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा चलो जबरदस्त हो गया, चलो वसीला बहुत शुक्रिया, टाइम जरा कम है हमारे पास, आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है? जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
चैलेंज। अब कॉल्स अब शामिल नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास बचा नहीं है, बहुत कम है जो ये टाइम है। इसमें कमेंट्स को रीड आउट कर लेते हैं। मसूद अहमद साहब कहते हैं वो सब्जी वाला कमेंट स्क्रॉल हो गया। स्माइल गुरगेस कहते हैं मुश्किल काम औरतों को मुतमईन करना है। अच्छा, साथ साथ आरजे मोहम्मद खान बहुत शुक्रिया कहते हैं कि अच्छा जी चले आपस में बात करें। अच्छा जी वाला खान कहते हैं अपनी इसलाह करना और किसी के मुंह से अपने लिए दो अल्फाज तारीफ के निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, साथ साथ मानूर खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस्माइल गुरगेस बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पर मैम तब बड़ा अच्छा लगता है कि झमाझम बारिश हो रही हो, पकौड़े खाए जा रहे हों और अपनी मनपसंद आरजे का शो चल रहा हो। अरे वाह क्या बात है। साथ साथ ओके, अच्छा जिस टाइम पर मेरा शो था उस टाइम पर बारिश होती नहीं है, किसी दिन एक दिन हो रही थी आई गेस। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि यानी साहिबा हमें नहीं लगती आप लोगों की बातें बुरी। बिल्कुल जी। साथ साथ कहते हैं भाई टेंशन ना लें, हम खुशी ढूंढ रहे हैं लेकिन शादी वाली नहीं। ओके सही है। खमीसा बुकटी बहुत शुक्रिया नाइस शो कहते हैं। मोहम्मद फराज कहते हैं जी आपस में बातें चल रही हैं लोगों की, सही है भाई तुम लोग आपस में बातें करते रहो। नौमान शाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि हमारी सुबह का नाश्ता और आपका शो, अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। साथ साथ कहते हैं कि हम फौजियों के लिए एक पाकिस्तानी सॉन्ग प्ले कर दीजिए, पाकिस्तानी सॉन्ग ही प्ले करें। कहते हैं मोहम्मद फराज की खाला ने इतनी तारीफ की है हम दोनों की कि हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं काम करो अपनी आंखों की, जितने भी तुम्हारी आंखों से आंसू है ना बाल्टियां भर दो तुम लोग, सही है इतने आंसू आने चाहिए तुम लोग। कहते हैं और ये किसने कहा कि आपसे माइंड नहीं है। हाँ नहीं है, हो जाओ खुश हैप्पी। यस आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा जी मोहम्मद फराज कहते हैं खुशी की बिरयानी कम और खिचड़ी ज्यादा होती है, तुमने खाई है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और कहते हैं अभी आपकी हंसी से मेरी वाइफ की टेंशन खत्म हो जाती है, आपका शो 7 महीने से सुन रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, हाय क्या बात है, जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। साथ साथ वहीद लोहार बहुत शुक्रिया मुल्तान से सुनते हैं। जवाला खान कहते हैं कि ये आज फिर मेरे नेट में क्यों, अच्छा जी आपके नेट में कोई इशू है। और मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम एक बात, ये भी तो दुनिया में आम है कि नसीहत दूसरों के लिए होती है और हमें कोई एंकर और आरजे ऐसे देखे हैं कि पैदल चलने के फवायद बताकर फिर कार से रवाना हो जाते हैं। ना करें। साथ साथ कहते हैं खमीसा बुकटी कहती हैं या कहते हैं कि आप ही मेरी अच्छा कहते हैं शायदा को मेरी तरह से ना प्यार से सलाम पेश कर दे। चलिए बहुत शुक्रिया जी, सलाम आपका पहुंच गया। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आप एक फेक आईडी पर आपने फेक आईडी पर पीएचडी किया है तो आपको पता ही होगा कि एक तारीख में पूरी दुनिया में 35 करोड़ फेक आईडी है। मैंने कोई फेक आईडी पकड़ने में पीएचडी नहीं किया। सो कहते हैं कि बस एक सिक्स सेंस है ना आपकी काम कर जाती है, और कुछ लोगों के लिए तो खास तौर पर जो है ना वो बस पकड़े ही जाते हैं, चाहे वो 1000 फेक आईडी बना लें, 1000 तस्वीरें अलग अलग लगा लें। सो बातें जब ऐसी करने के बाद फिर फेक आईडी से आने का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। ऐसी जब बड़ी बड़ी बातें ऐसी कर देते हैं, ऐसे जुमले कह देते हैं कि यू नो कि अगले बंदे की तो आप शख्सियत को मलिया मेट करते हैं, उसके बाद फिर फेक आईडी से आकर क्या फ़ायदा है, सही है ना। सो ये ना किया करें। कहते हैं कि हज़ारों कत्ल और तबाही ही तबाही है, और एक फेक आईडी बनाई है शैतानी कामों के लिए बनाई जाती है, जो इंसान है वो अपने नाम से अपनी पिक लगाकर ही एफबी चलाते हैं। सही बात है, अपना नाम इसका अगर आपको लगता है कि इस काबिल है तो अपने नाम से अपनी आईडी बनाएं, या अगर आप अपने नाम में इतना दम नहीं है तभी लोग फेक आईडी इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, बात तो सच है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि सिस्टर फरहाना कभी आपने टाइम से घर वापस मत आना, ये आज सिग्नल प्रॉब्लम क्या आपकी तरफ से आ रही है। बिल्कुल जी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से सब कुछ ठीक है। और मोहम्मद फराज कहते हैं कि अरे हाँ हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये भाभी की आवाज़ है या भाई की, सही कहा आपने, इंसान जिसके हाथ का खाना खाते हैं ना उसकी आवाज़ उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। मसूद अहमद साहब कहते हैं वैसे तो बिजली के तारों पे भीगे कपड़े फैलाने में भी बड़ा मुश्किल काम है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि सिस्टर नेट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें प्लीज़। सॉल्ट आउट क्या होता है, ये सॉल्ट आउट करें। आपकी तरफ कोई इशू है, हमारी तरफ थोड़ी नहीं। मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ही और एक मुश्किल काम बताओ, ये बड़ा क्या है खंभों के तारों पर ना, हाँ अभी तो बताया ये
सेम तुम लोग कॉपी कर रहे हो भाई. काशवती वाली कहते हैं रेलो बगी ने एक बंदी ये बड़ी वाली चींटी की बात कर रही है. ना करें कहता है मुस्तफा साहब कहते हैं यानी कि रमजान मलिक साहब कहते हैं कि एस एम रजा साहब की अच्छी गुफ्तगू अंकल जी की और कौन भट्टी साहब तो आए नहीं कहते हैं मिसेस फारूक और साहिबा और आबिद अमीर काशिफ भाई सबको आदाब से चलें जबरदस्त हो गया. अली रजा कहते हैं सलाम वालेकुम पाकिस्तान गुड गुड मॉर्निंग कहते हैं कि क्या हाल है सात समंदर पार से मेरा भी सलाम कबूल कर लें. वालेकुम असलम बहुत शुक्रिया ये शो एंड होने वाला तो तब आ देंगे. अच्छा जी और शिवा भेल हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच. जाकिर जाकिर बहुत शुक्रिया. जाहिद आकाश कहते हैं कि आप ही मुन्नी बड़ी तेज है. अच्छा जी बहुत शुक्रिया कहते हैं सलाम बाजी तीन दफ़ा सुन रहे हैं तीसरी दफ़ा सुन रहे हैं चलें बहुत शुक्रिया. वालेकुम असलम और मसूद हम सकते हैं मैम क्या चेवा दाद के भी परिंदे में भी आते हैं कौन से क्या लिखा नहीं समझ आया मुझे. कहते हैं वो खूबसूरत है लेकिन डांटती भी बहुत है. आप भी कहते हैं खूब सर पे चढ़ा लो भाभी को बच्चों पहले भाई ही ये याद रहेगा रहे हाँ जब तो भाभी है वो. तो देखिए हमने तो सच कहा ना हमने गलत क्या कहा हमने तो इतनी अच्छी बात किया तो खुश होना चाहिए इस बात पे कि आप जो है ना भाभी के हाथ के खाने खा के भाभी के रंग में ढल गए हैं तो आपको खुश होना चाहिए इस बात पे. जाकिर जाकिर कहते हैं सलाम बाजी बहुत शुक्रिया जी मैंने शामिल किया कमेंट और साथ साथ जाहिद आकाश कहते हैं आप ही मुश्किल काम हाँ कह रहे हैं बीबी को शॉपिंग पर लेकर जाना है अच्छा. जयाला खान कहते हैं ये मुल्क का वाहिद एक ऐसा शो है कि जिसमें कोई भी सॉन्ग वगैरह पेश नहीं किया था तुम जल्दी से उतरो बेटा. जाओ जहाँ पे गाने चल रहे हैं वहाँ चले जाओ तुम. आप भी कहते हैं कि वो खुशियों वाला कंपनी से कहते थे कि वाकई बनाई अच्छा कहते हैं वाकई बनाई बिरयानी बॉस. अच्छा मसूद हम सब कहते हैं वो खूबसूरत है लेकिन डांटती बहुत है. हाँ जी बिल्कुल ये पढ़ा मैंने. अली रजा कहते हैं बहुत शुक्रिया वालेकुम असलम. और काशिफ अली मलिक कहते हैं गाना लगा कर जाना मेरे यार तू मेरा प्यार नहीं हम नहीं लगा रहे भाई क्या है हर वक्त बस कहेगी गाना रिपीटेडली सुनते रहेंगे. शाहिद हसन आजमी बहुत शुक्रिया. जुबैर लाडला बहुत शुक्रिया. साथ साथ अली रजा कहते हैं पार्टी अभी होनी है पार्टी अभी बाकी है. किस बात की पार्टी चल रही है तो पता चले. शाहिद हसन बहुत शुक्रिया कहते हैं मुबारकपुर आजमगढ़ से सुनते हैं इंडिया से. अरे वाह क्या बात है भाई ज़बरदस्त हो गया इंडिया से सुनते हैं थैंक यू सो मच. कासिम जान वालेकुम असलम बहुत शुक्रिया. मोहम्मद फराज कहते हैं ऐसे काम ही क्यों करते हैं लोग के फेक आईडीज़ बनानी पड़ जाए. ये तो उन्हीं को बताऊंगा कि उनको क्या जो है वो फेक आईडीज़ बनाकर मज़ा आता है और क्या मिलता है फेक आईडीज़ बनाकर. मसूद अहमद साहब हमारी तो अपनी एक आईडी काफ़ी है हम जहाँ पे भी जाते हैं ना जिस जहाँ पे भी कमेंट करना होता है ना जहाँ पे भी बात करनी होती है अपनी आईडी से बात करते हैं. हमें ज़रूरत ही नहीं है फेक आईडीज़ की ठीक है ना हम जो हैं सबके सामने ही हैं. सही है ना. मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अभी तो खाला ने मोहब्बत की मोहब्बत से बात की है जिस दिन डांटेगी ना उस दिन आंसू. कहते हैं सही है. बहुत शुक्रिया जुबैर लाडला कहते हैं सब कॉलर की बहुत अच्छी गुफ्तगु है. और मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम मैंने चिमगादड़ अच्छा चिमगादड़ लिखा था ओके सही है. अली रजा कहते हैं कि टाइम का डिफरेंस है इसीलिए एंड में आता हूँ अभी फजर पढ़ कर आया हूँ. हाँ बिल्कुल जी मैंने कहा भी था ये कि टाइम का डिफरेंस है. आबिद अमीर कहते हैं कि यही खुशियाँ हैं हमारी यकीन जाने दोस्तों वाला माहौल रखते हैं घर में ज़बरदस्त हो गया अच्छी बात है. घर में जो है ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेशन गैप जब होता है ना तो इंसान की पर्सनैलिटी में फ्लॉज आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगे. आपको पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं जिनकी जिनके घरों में कम्युनिकेशन गैप होता है राइट. सो वो अलग ही समझ में आ जाता है ठीक है ना. बहन भाइयों के दरमियान या फिर माँ बाप के दरमियान जब कम्युनिकेशन गैप होता है ना तो वो एक बहुत बड़ा गैप होता है. फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जो है ना वो आने के खतरात होते हैं बड़े चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन भी जो है ना वो उस कम्युनिकेशन गैप का शिकार हो जाए. क्योंकि अक्सर जो घरों में जो इन्वायरमेंट हो रहा होता है जिस तरह का भी इन्वायरमेंट होता है चाहे वो अच्छा हो बुरा हो वो फ्रेंडली माहौल हो या वो बहुत ही कोई तनाव भरा माहौल हो दबाव वाला माहौल हो या टेंशन ज़्यादा माहौल हो जो माहौल घर में रहता है वो अगली नस्ल आती है फिर उसको भी वही तोहफे में मिलती है. तो अपने घर वालों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप कभी भी ना रखें. 11:02 हो चुके हैं इजाज़त ले लेना चाहिए. बस अब हुमैरा भी आती होंगी तो आपसे बिल्कुल जी हुमैरा मुझे ज्वाइन आपको ज्वाइन करेंगी मेरे बाद. कम्युनिकेशन गैप किसी भी हाल में किसी भी तरह फैमिली के साथ दोस्तों के साथ कहीं पर भी जहां पर भी आपको जो भी बात कहनी है जरूर कहें राइट. लेकिन किसी की शख्सियत का गुरूर जो है ना मिट्टी में ना मिलाए सिर्फ चंद बातों की वजह से. इस बात को याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि वो तो आपके लिए सिर्फ चंद लाइंस हों जो आपने कह दी हो गुस्से में आकर किसी बात की वजह से
लेकिन अगले की शख्सियत का जो गुरूर आप मिट्टी में मिला देते हैं उसको वापस कैसे ला के देंगे, है ना? ख्याल किया करें, मुखलिस लोग जो है ना वो रोज रोज नहीं मिलते, जब मिलते हैं तो कदर करें, हो चुके हैं तो बस हो चुके, सीधी सी बात है, खो दिया तो फिर वापस नहीं मिलते फिर ऐसे लोग। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपसे कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान, जब तक अपने अपने पैरों को रखेगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ, फिया मानिला।